अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक्टिव न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति TRS चारमीनार एक्टिव टीम की जानिब से पुराना पुल पारदीवाड़ा कमेटी हॉल में एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, जिसमें सैयद लायक अली ने पढ़ाई की अहमियत बताते हुए माँ बाप से मुतवज्जा होकर कहा है कि आज के दौर में अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं। इस मौके पर TRS कायदीन तहसीन इमाम मोहम्मद इम्तियाज़ अली, अब्दुल रहमान, सैयद रज़ा अली, सुनील रशीद और दीगर मौजूद थे। बच्चे तो आप वो बच्चे भी सोचना चाहिए जो अपने माँ बाप के लिए अच्छा, क्योंकि आपके बच्चे पढ़कर कुछ बनना ये तो हर माँ का अपने माँ बाप के कि मेरे बच्चे कुछ बने। किसी को तो याद नहीं सकता तो मुझे आप लोगों का थैंक यू टाइम मिले थे बोल सकते हैं जाने वाले स्कूल में इसमें से अवेयरनेस का मतलब बताइए। हाँ जरूर, अरे आपको ये बताने आया कि जो है अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि आपको जगाने के लिए आए, ये तालीम एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसे आपको सुनाता हूँ, इसको लिख के रख लेना पूरे बच्चों के लिए। खासकर तालीम की ज़रूरत इंसान के लिए है। तालीम किसको बोलते हैं? एजुकेशन। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन बींग, यानी तालीम आपको हासिल करना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। माल और दौलत कमाना भी इंसान के लिए ज़रूरी है। अगर तालीम भी नहीं है, दौलत भी नहीं है, तो अपने को प्रॉब्लम्स आती है, लोग अपने को नीची नज़र से देखते हैं। तो तालीम की ज़रूरत इंसान के लिए है। दरकार माल दौलत, यानी पैसा भी आपको ज़रूरी है, वो नहीं तो याद रखना हर फसल की जो है जिलत इंसान बच्चों पे नहीं है, पूरा डिपेंड माँ पे है। माँ कर सकती है सब कुछ। कितने बच्चे जाते हैं स्कूल में, अभी रोशन में पढ़ते हैं, सबको पूछते हैं कहाँ है, पार्टी बैठते हैं, पढ़ाती हैं, और मंडल और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाते रहते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में देखती हूँ कि फॉर्म भरने के लिए अपने महीना है, नहीं तो पारदीवाड़ा बोल के बोलते हैं। मुझे शेम फील होता है, पारदीवाड़ा क्यों बोलना चाहिए, पारदी है बोल के बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता मुझे कि बोले मेरे फॉर्म भर दो बोल के बोलते हैं। नहीं, आपके घर में से अपने बच्चों को ला सकते हैं, नहीं बोलो कोई भी पढ़ा लिखा नहीं, छोटे हैं बच्चे हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं, जो फ्रूट बेच रहे हैं, जो बिजनेस है आपका, इसको भी डेवलप कर सके, कैसा पढ़ाई के थ्रू। जागरूक आप नहीं होंगे तो बच्चे नहीं हो सकते। क्या कर रहे हैं आप, बोलो। बोलना चाह रहे हैं एजुकेशन इसलिए है, सब हर यूनिवर्सिटी में चल रहा है, वैसे ही हमारे भी साथ में चलना चाहिए। हम भी थोड़ा बहुत आगे आगे पढ़ना चाहिए, हमारे बच्चों को एजुकेशन चाहिए, इसलिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जो स्कॉलरशिप मिलती है, हाँ जो स्कॉलरशिप मिलती है, हमारे बच्चों को भी मिलनी चाहिए, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ना चाहिए, यही चाहते हैं। आदाबर से जय तेलंगाना, जय केसीआर। तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी हल्के चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पुराना पुल डिवीज़न में इस पारदीवाड़े बस्ती के अंदर आए हम। हमारे तमाम साथी यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे एक दरख्वास्त लेके आए हैं और इन्होंने हमें यहाँ पर इन्वाइट किया है। वैसे तो एक एजुकेशन अवेयरनेस के लिए हम जो है ना तालीम, बच्चे पढ़ेंगे तो ये जानते हैं कि कितने फ़ायदे इनको होंगे, इनके बच्चे कहाँ तक पहुँच पाएंगे, कोई पायलट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई जो है ना डॉक्टर बनेगा। बहरहाल हर माँ अपने बच्चे के लिए हर तरह का सपना देखती है, तो वो सपने को पूरा करने के लिए माँ को चाहिए कि हर बच्चे को तालीम दे और स्कूल में एडमिशन दिलाए, ज़्यादा तवज्जो, चाहे एक टाइम का खाना ही क्यों कम ना कम खाए, एक टाइम का खाना अपना कम खाना पड़े परवाह नहीं, मगर अपने बच्चे को पढ़ाना बेहद ज़रूरी है। आज के जनरेशन में अपने बच्चे को पढ़ाना ये बेहद ज़रूरी हो गया। इसी सिलसिले में हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे रखा है। तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी अब से ही नहीं, जब से तेलंगाना रियासत नहीं आई, तब से ही एक अच्छे तेलंगाना का फिक्र को लेके इस आवाम के दरमियान आई है। अब तेलंगाना राष्ट्र आ गया है, तभी भी तेलंगाना के आवाम को सुनहरे तेलंगाना का मैसेज लेके घर घर जा रही है। जैसे कि लोगों ने क्या क्या सोचा था, उस सोच को, उसकी सोच को, अपोजिशन की सोच को ख़त्म करते हुए हमेशा की तरह
अंधेरा अंधेरा आ जाएगा बोलने वाले का मुंह बंद करके, जिस तरीके से बिजली हमने 24 घंटे के लिए आवाम को दी है, उसी तरीके से आवाम के उन बच्चों को भी हम जो है ना तालीम देंगे, उन घरों तक भी तालीम पहुंचाएंगे, ताकि सुनहरा तेलंगाना हम हासिल कर सकें। सुनहरे तेलंगाना के लिए हम जद्दोजहद करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। केसीआर साहब को एक फिर एक बार से हम कामयाबी दिलाएंगे सुनहरे तेलंगाना की। जय सर, जिस तरह से ये फर्स्ट प्रोग्राम करे आप एजुकेशन के लिए, तो आगे और कुछ प्रोग्राम करेंगे आप लोगों के लिए? बिल्कुल, हमने अभी तफसील पूरी डिटेल जो है ना डोर टू डोर जाकर कौन बच्चे पढ़ रहे हैं और कौन से बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं इनकी तफसील मंगाई है। उन तफसील को लेके उसके बिना पर ही उसको प्रोग्राम सेट करके फिर से एक एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम हम रखने वाले हैं इंशाल्लाह।